प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इस प्रश्न पत्र में पिछले वीडियोस में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन और विकास, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो है साम्यवादी जो खेमा है, साम्यवादी जो गुट है, उसका अवसान जो आपका सिलेबस का बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। साम्यवादी गुट का जो बिखराव था, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक का जो कोलैप्स था, वो किस प्रकार से हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रगति और विकास में कौन कौन सी घटनाएँ हुई, और फिर इसका अवसान किस रूप में हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक प्रश्न पत्र में साम्यवादी गुट का अवसान जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पूर्व हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पर कि साम्यवादी गुट का निर्माण कैसे और किन किन परिस्थितियों में हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उस गुट के निर्माण के साथ में उसका विकास कैसे हुआ, और कौन कौन से इसमें घटनाक्रम हुए, कौन कौन सी संधियाँ और कौन कौन से संघों का, संगठनों का निर्माण हुआ, और फिर आपस में किस प्रकार से इसमें बिखराव आया, कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण पर हम चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात क्षतिग्रस्त विश्व में सोवियत संघ ही एक ऐसा देश बचा था जो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात पश्चिमी गुट को चुनौती देने में समर्थ था। यद्यपि महायुद्ध के कारण सोवियत संघ को महान क्षति का या नुकसान का सामना करना पड़ा था, लाखों रूसी सैनिक और असैनिक नागरिक मारे गए थे, 2 करोड़ रूसी गृहविहीन हो गए थे, तथा ये सभी बलिदान सोवियत रूस के लिए वरदान सिद्ध हुए। युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप सोवियत रूस को विशाल प्रदेशों की प्राप्ति हुई और अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक नीतियों का प्रभाव पड़ा। युद्ध समाप्त होने पर सोवियत संघ की स्थिति कई दृष्टियों से पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। पश्चिम में उसकी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार किए बैठी थी। पश्चिम और पूर्व में उसके 2 बड़े शत्रु जर्मनी और जापान नष्ट हो गए थे। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके थे कि दूसरे महायुद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा वो यूरोप महाद्वीप को उठाना पड़ा, और जो उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पावर सेंटर हुआ करता था महायुद्ध से पूर्व यूरोप महाद्वीप, अब उसके देशों से महाशक्तियों का दर्जा करीब करीब छिन गया था, और जर्मनी तो एक तरीके से नष्ट भ्रष्ट ही हो चुका था, और यही स्थिति एशिया में जापान की भी हुई थी। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई, और 1955 में इन देशों ने वारसा पैक्ट के अंग के रूप में एक सुदृढ़ साम्यवादी गुट के रूप में अवतरित होने का अवसर मिला। बर्लिन की नाकेबंदी, कोरिया युद्ध, चीन के साम्यवादी शासन की स्थापना ने सोवियत गुट को और अधिक सुदृढ़ बना दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें एक एक कर पूर्वी यूरोप के राज्यों को साम्यवादी शासन के सांचे में ढाला गया। पूर्वी यूरोप में से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जो उत्तर में स्टेटिन से लेकर दक्षिण में ट्रिस्टे तक फैला हुआ है, स्टेटिन से लगाकर दक्षिण में ट्रिस्टे तक फैला हुआ है, वह भूखंड पूर्वी यूरोप के नाम से, और धीरे धीरे यहाँ पर साम्यवादी प्रचार प्रसार शुरू हो गया, और इसमें इसके सीमांत में फिनलैंड, सोवियत संघ और तुर्की के सीमांतों से मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया आदि राज्यों को शामिल किया जाता है, और पूर्वी यूरोप के इन समाजवादी राज्यों का क्षेत्रफल करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर और करीब 12 से 14 करोड़ जनसंख्या उसमें निवास करती हैं। पूर्वी यूरोप के देशों में साधारणतः सोवियत संघ के पिछलग्गू देशों के नाम से पुकारा जाता है, और द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता दी। स्टालिन का विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्व यूरोपीय राज्यों से में
सोवियत रूस के प्रति सद्भाव और मैत्री रखने वाली सरकारें स्थापित की जाएं, और सौभाग्यवश युद्धोत्तर परिस्थितियों के पश्चात परिस्थितियां उसके इस विचार के अनुकूल इन राष्ट्रों में उसको प्राप्त होती हैं। और जिस समय युद्ध बंद होता है, रूसी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक अपना अधिकार किए बैठी थी, पूरी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दास्ता से मुक्ति दिलाई थी, और इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापामार संघर्षों का नेतृत्व किया था। अतः इन राज्यों को रूस के प्रति बहुत सहानुभूति थी। स्टालिन ने इस सद्भावना का लाभ उठाकर चतुराई से इन राज्यों को साम्यवादी शासन की स्थापना करवाने में सफलता प्राप्त की, और महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जिन क्षेत्रों को सोवियत सेनाओं ने मुक्त कराया था, उन्होंने वहां मजदूर वर्ग को सत्ता पर अधिकार स्थापित करने में सहायता दी, ताकि स्थिति के सामान्य होने पर वहां क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें, और पूर्वी यूरोप के सोवियतीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से व्यक्त होती हैं। सबसे पहले पोलैंड में स्टालिन के प्रयासों के फलस्वरूप मिलीजुली सरकार जो है संगठित की जाती है, जिसमें 5 राजनीतिक दल भाग लेते हैं। फिर रोमानिया में साम्यवादी सरकार का निर्माण होता है। उसके बाद नवंबर 45 में बल्गारिया में, और 1 फरवरी 46 में हंगरी में राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की जाती है। 47 में हंगरी संसद के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें साम्यवादी दल को प्रथम स्थान प्राप्त होता है, और नई सरकार में साम्यवादी दल के सदस्य राकोसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में भी साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया आदि राज्यों में एक एक करके जो है सोवियत जो समर्थक शासन है उसकी स्थापना हो जाती है। अब एक सुदृढ़ संघ बनने के बाद साम्यवादी गुट की सुदृढ़ता और उसका सैनिक और आर्थिक एकीकरण होता है। सुदृढ़ साम्यवादी संघ बन जाने के बाद इस गुट का सैनिक एवं आर्थिक एकीकरण होता है। सैनिक एवं आर्थिक एकीकरण। साम्यवादी जो गुट था सोवियत संघ के प्रभाव में आकर के एक सुदृढ़ साम्यवादी संघ का संगठन का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद उसके सैनिक और आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो स्थितियां थी वो वारसा पैक्ट, या इस संधि के रूप में थी। वारसा पैक्ट या पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन, पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन। जब पश्चिमी जर्मनी को 9 मई 1955 को नाटो का सदस्य बना लिया गया और पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण कर दिया, तो इससे सोवियत संघ और अन्य पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। और पश्चिमी शक्तियों ने नाटो सीटो सेंटो द्वारा सोवियत संघ के इर्द गिर्द उसको घेरने की स्थितियां पैदा करती थी, अतः स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ सैनिक गठबंधनों का उत्तर सैनिक गठबंधन से ही देता। साम्यवादी राष्ट्रों का सम्मेलन 11 से 14 मई 1955 को वारसा में बुलाया गया। 11 से 14 मई 1955 वारसा में सम्मेलन का आयोजन होता है, और उस सम्मेलन के आयोजन में 7 राष्ट्र जो हैं मुख्य रूप से सोवियत संघ के अलावा, सोवियत रूस के अलावा, अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। यूगोस्लाविया इसमें भाग नहीं लेता है। चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया।
और 14 मई 55 को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता और पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन अथवा वारसा पैक्ट या वारसा संधि कहा गया। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और कहा गया कि पश्चिमी यूरोप के संधि निर्माण तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें और यूरोप में शांति स्थापित करें, और इससे यूरोप में सामूहिक सुरक्षा का जो विचार था वो प्रबल हुआ। सामूहिक सुरक्षा, ये वारसा पैक्ट की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में निकल के सामने आती है, सामूहिक सुरक्षा। यद्यपि ये जो है नाटो के जवाब में सोवियत संघ द्वारा किया गया सैनिक प्रत्युत्तर या सैनिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसका दीर्घगामी परिणाम हुआ, ये दीर्घकालीन परिणाम हुआ, और सामूहिक सुरक्षा का जो विचार था वो भी संधि से निकल के आया। अपने मूल रूप में वारसा पैक्ट नाटो संधि का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है। वारसा पैक्ट नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का संगठन था, यूं कहें कि एक प्रतिक्रियावादी सैन्य संधि इसे कहा जा सकता है। इससे सभी देशों को समानता के अधिकार प्राप्त थे, तथापि ये स्पष्ट है कि सोवियत संघ ही मुख्य शक्ति केंद्र था और अन्य राज्यों की स्थिति उपग्रही राज्यों यानी सैटेलाइट स्टेट की भांति थी। कुल मिला के एक प्रतिक्रियावादी सैनिक संधि या सैनिक संगठन या सैन्य सहयोग या सैन्य एकीकरण का उपकरण इसे कहा जा सकता है, जो नाटो के विरुद्ध था। दूसरा, पारस्परिक आर्थिक सहायता संधि। ये जो हम संधियां पढ़ रहे हैं वो सोवियत संघ के सुदृढ़ साम्यवादी गुट के निर्माण के संदर्भ में इनका, या यूँ कहें कि सैनिक और आर्थिक एकीकरण के रूप में इनका महत्व है। पारस्परिक सहयोग संधि, पारस्परिक सहयोग संधि, पारस्परिक सहयोग संधि, जैसा कि नाम से भी हम कुछ इसमें समझ रहे हैं, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसकी जो स्थापना है अप्रैल 1949 में की जाती है, और इसके संस्थापक सदस्य वही सदस्य हैं करीब करीब जो वारसा पैक्ट के सदस्य हैं, बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ। 1950 में अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, 62 में मंगोलियाई गणराज्य और 64 में योगोस्लाविया के संबंध भी इससे स्थापित हो गए। इस संगठन में सभी राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी सदस्यता ऐसे प्रत्येक देश के लिए खुली थी जो उसके मूलभूत सिद्धांतों में आस्था रखता हो तथा जो सदस्य इसमें निहित उत्तरदायित्वों को पूरा करने को तैयार हों। इसने अपने सदस्य राष्ट्रों को लाभान्वित भी किया, लाभान्वित किया, और कुल मिलाकर के इसके सदस्य राज्यों के आर्थिक एकीकरण की जो गति थी, जो प्रक्रिया थी, इससे बहुत तेज हुई और 1971 में इन देशों की राष्ट्रीय आय में 3% तक की वृद्धि दर्ज की गई। ये अपने आप में कुल मिला के बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि का, और ये इन्होंने पारस्परिक सहयोग संधि या पारस्परिक आर्थिक सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किया था। तीसरा जो चरण था वो कामिन फार्म के रूप में, कामिन फार्म, कॉमन फार्म। सितंबर 1947 में सोवियत संघ ने बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि पोलैंड के राजधानी वारसा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बेलग्रेड में एक साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निर्णय किया। कामिन फार्म का उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित और समायोजित करना था। यह पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में था।
कामिनफार्म के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों को संगठित करने और उन्हें साम्यवादी कार्य पद्धति में दीक्षित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफलता मिली। काफ़ी संख्या में रूसी इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और सेना प्रशिक्षक उन देशों के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए भेजे गए और इस प्रकार से इन नीतियों, इन संधियों और इन संगठनों के माध्यम से सोवियत संघ ने यूरोप के बहुत बड़े भूभाग में साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। न केवल प्रतिपादन किया बल्कि सशक्त रूप से उसको स्थापित भी किया और उसके साथ ही साथ उन्होंने सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूरे भूभाग का सोवियतीकरण कर दिया और यही आगे चल के आप संयुक्त सोवियत संघ के रूप में सामने आता है। तो ये सारे जो एकीकरण के और संघ बनने के बाद की स्थितियां हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस साम्यवादी गुट का जो पदार्पण है वो किस रूप में देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी गुट साम्यवादी गुट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में सुदृढ़ साम्यवादी राष्ट्रों का गुट उदित हुआ। पूर्वी यूरोप के सभी देश इस गुट से संबद्ध हो गए और पश्चिमी गुट के देशों के साथ उग्र शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि हम शीत युद्ध नामक बिंदु में पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये देश एकजुट होकर मतदान करते हैं। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ बार बार वीटो का प्रयोग करता है। पूर्वी जर्मनी के साम्यवादी गुट में शामिल होने के पश्चिमी देश सशंकित हो जाते हैं। वारसा पैक्ट के निर्माण से पूर्वी यूरोप के राष्ट्र सोवियत संघ के पिछ लघु बन जाते हैं। साम्यवादी गुट ने तीसरी दुनिया के देशों को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना प्रारंभ किया और तीसरी दुनिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी और दुनिया में शांति स्थापना के समर्थक लोग चिंतित होने लगे। बड़ा प्रभाव जो है इसका रहा। अब इसके बाद में जो है इस साम्यवादी जो संगठन है उसका धीरे धीरे अवसान का समय प्रारंभ होता है और अपने चरम पर पहुंचने के बाद जो है इसमें अवसान की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। साम्यवादी गुट का अवसान या साम्यवादी खेमे का बिखराव या अवसान, जैसा कि प्रत्येक शासन पद्धति के बारे में प्राचीन विचारकों के मत हैं कि दुनिया में आज तक जितना भी राजनीति का ज्ञात इतिहास है उसमें जो शासन की पद्धतियां हैं या शासन परंपरा है, शासन की व्यवस्था है, वो हमेशा से चिर स्थायी काल के लिए नहीं रही है और एक निश्चित समय बाद में वह पद्धति अपने चरम पर पहुंच करके उसका अवसान प्रारंभ हो जाता है। और इसको यूनानी विचारक जो अरस्तु हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स साइंस भी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने संविधानों के जो प्रक्रम में कहा है कि साइक्लिक चेंजेज संविधानों में होते हैं, संविधानों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और संविधान में परिवर्तन से उनका आशय राष्ट्र में परिवर्तन और राज्य व्यवस्था में परिवर्तन से है, क्योंकि संविधान से ही राज्य और सरकार दोनों चलते हैं। तो एक निश्चित समय बाद पुनः अपने प्रक्रमों को दोहराते हैं और ये चक्र जो है राजनीतिक में चलता रहता है या राज्यों के बनने बिगड़ने में चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो साम्यवादी जो विचारधारा थी और एक समय इसने पूरे विश्व की राजनीति में अपना जो दबदबा बना लिया था और न केवल दबदबा बनाया था बल्कि सुदूर साइबेरिया से लेकर के हिंद महासागर तक भी उसके चिन्ह दिखाई देने लगे थे। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, भारत के पड़ोस यानी चीन में शुद्ध साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 अक्टूबर में हो चुकी थी। चांग काई शेक जो राष्ट्रवादी सरकार के नेता थे वो छोड़ के जा चुके थे और अक्टूबर 49 में साम्यवादी शुद्ध शासन की स्थापना हो चुकी थी। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के भी कुछ प्रांतों में साम्यवादी शासन को देखा गया और भारत के एक बड़े भाग में पश्चिम बंगाल में एक लंबे समय तक साम्यवादी भारतीय जो साम्यवाद का जो भारतीय वर्जन था, जो
पैटर्न था वो बना रहा और करीब 35 सालों तक जो है एक राज्य में, एक प्रांत में एक साम्यवादी विचारधारा वाले दल का शासन अपने आप में एक उदाहरण पूरे विश्व में कहा जा सकता है। आज़ादी के बाद की स्थितियाँ हैं और साउथ की अगर बात करें दक्षिण भारत में भी, तो नंबूदरी पादरन जो पहले मुख्यमंत्री बने थे साम्यवादी दल के साउथ में, तो कुछ बीज जो साम्यवाद के भारत में भी दिखाई दिए, इसलिए कहा जा सकता है कि सुदूर साइबेरिया से लेके और उसकी उपस्थिति जो है हिंद महासागर तक भी दिखाई देने लगी थी। यूँ कहें कि विश्व की एक बहुत मजबूत शासन प्रणाली के रूप में और बहुत बड़े भूभाग को अपने शासन व्यवस्था के नियंत्रण में लाने वाली विचारधारा थी, वो अपने चरम पर पहुंचकर विभिन्न कारणों से धीरे धीरे जो है उसका अवसान प्रारंभ होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका अवसान किस किस रूप में दिखाई देता है, कुछ घटनाओं का जिक्र हम इसके अवसान को समझने के लिए यहाँ पर करेंगे। यूरोप जो है, पूर्वी यूरोप का जो जिक्र हमने किया है, साम्यवादी शासन का मजबूत गढ़ रहा है और सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी तानाशाही के सुदृढ़ दुर्ग माने गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों पर स्टालिन द्वारा साम्यवादी तानाशाही थोप दी गई थी, जिसका जिक्र संक्षिप्त रूप में हमने सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण नामक बिंदु में हमने किया है। एक एक करके किस रूप में जो है महायुद्ध के बाद सोवियत जो लाल सेनाएँ थी उन्होंने उस समय की सहानुभूति का लाभ उठाते हुए, या यूँ कहें कि अपनी उपस्थिति वहाँ से हटाने के एवज में अपने समर्थक सरकारें वहाँ पर उन्होंने बनवा दी थी, और धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े भूभाग का जो है सोवियतीकरण इन्होंने कर दिया था। किंतु 1989 से लगा के 91 के दो ढाई वर्षों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवाद निरंकुशता से एक एक करके मुक्त होते गए। संपूर्ण कम्युनिज्म अर्थात सारे का सारा मार्क्सवाद लेनिनवाद अब इतिहास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस भयावह विचारधारा की नाजीवाद जैसी ही दुर्गति हुई, क्योंकि अब लोकतंत्र में आर्थिक सुधारों का जो प्रचलन पश्चिमी देशों में हुआ था उसका प्रचार धीरे धीरे पूरे विश्व में होने लगा था और अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन आने लगे थे। अर्थव्यवस्थाएं अब ग्लोबली होने लगी थी, बंद अर्थव्यवस्थाओं का दौर अब समापन की तरफ था। जब माओ ने कहा था कि बंदूक की नली से सब कुछ पैदा किया जा सकता है, हमें न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है, माओ के ये जो शब्द थे अब इतिहास की बात बन चुके थे और धीरे धीरे जो है अब अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन पूरे विश्व में दिखाई देने लगा था। और जो राष्ट्र इस खुलेपन से अपने आप को बचा रहे थे वो आर्थिक दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे थे। इन सारे कारणों के मद्देनज़र लेनिनवाद और मार्क्सवाद अब कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस भयावह विचारधारा की नाजीवादी जैसी दुर्गति हुई, सर्वहारा की तानाशाही, जन लोकतंत्र, अनंत क्रांति में राज्य की शाश्वत भूमिका जैसे लेनिन के मौलिक सिद्धांतों को पेस्ट्रोइका ने धराशायी कर दिया। अब यूरोप में लेनिन का नाम केवल नाम भर संभवतः एक राष्ट्रीय नायक के रूप में रह गया था। सोवियत संघ और पूरी यूरोप के देशों में बहुदलीय लोकतंत्र और अन्य पद्धतियों के साथ सह अस्तित्व और धार्मिक स्वतंत्रता के आगमन से मार्क्सवाद मिट्टी में मिल गया था। अल्बानिया को छोड़कर पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट तानाशाही 1989 में केवल 6 माह की अवधि में के भीतर ही धराशायी हो गई। हंगरी, पोलैंड, इटली की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने निधन का उल्लेख स्वयं किया। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने स्वयं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाकर उसे भंग कर दिया। और 1989-91 की इस क्रांति इस दृष्टि से अनोखी रही कि इसके पीछे कोई सुसंगठित शक्ति नहीं थी। कम्युनिस्ट कुलतंत्रों ने कभी भी सर्वहारा को आवाज़ नहीं उठाने दी, फिर भी क्रांति हुई और मुख्यतः उसका श्रेय मानव की अदम्य भावना को है। रोमानिया के अतिरिक्त अन्य सभी राष्ट्र, ये संपूर्ण क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्ण रही और राजनीतिक दर्शन के रूप में मार्क्सवाद इस सती की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। संक्षेप में, आज सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी भीमाकार दैत्य के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहार का
जो है आनंद ले रहे हैं। और इस रूप में साम्यवादी गुट का जो अवसान सामने आता है, सबसे पूर्व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अवसान होता है और सोवियत संघ के राजनीतिक रंगमंच पर गोरबाचोव के उदय से पूर्व भी संसार में ऐसे विचारशील लोग थे जिन्होंने ये अनुभव किया था, अनुमान किया था कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब कम्युनिज्म के जुए में जूते लोग उसे उतार फेंकेंगे और कम्युनिज्म ध्वस्त हो जाएगा। परंतु उनमें से कोई भी इस बात की आशा तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये सब इतना अचानक और इतने शीघ्र और इतनी सरलता से हो जाएगा, बिना रक्तपात के और बिना बाहरी सहायता के आपसे आप ही हो जाएगा। तो ये अपने आप में ही जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो मौलिक विचार था उससे परे ये जो क्रांति संगठित हुई थी, क्योंकि मार्क्स ने अनिवार्य क्रांति का वर्ग संघर्ष में अनिवार्य क्रांति को अनिवार्य माना था और क्रांति को भी खूनी क्रांति को उन्होंने अनिवार्य माना था। लेकिन जब ये धराशायी हुआ तो इस प्रकार की कोई क्रांति, कोई खूनी क्रांति, कोई रक्तपात नहीं देखा गया। थोड़ा बहुत विरोध रोमानिया में सामने आता है। लेनिन, स्टालिन, ब्रेजनेव, क्रुश्चेव जैसे सोवियत नेताओं द्वारा लो आवरण में बंद करके रखे गए इन देशों की आर्थिक दुर्दशा से घबराकर गोरबाचोव ने सोवियत संघ के पुनर्गठन यानी पेरेस्ट्रोइका सिद्धांत का निर्माण किया। उसका संकल्प के साथ ग्लासनोस्त का जो द्वार खोला, स्वतंत्रता के स्वच्छ वायु के एक ही झोंके से पूर्वी यूरोप के देशों में थोपे हुए कम्युनिस्ट तानाशाह सड़े फलों की भांति एक के पश्चात एक टपाटप धूल दुंठित होते हुए दिखाई पड़े। इसी प्रकार हंगरी में 1956 में सोवियत कठपुतली सरकार की अवज्ञा करते हुए लाखों लोग बुडापेस्ट की सड़कों पर निकले और मांग की कि हंगरी में सभी सोवियत सैनिकों को हटा लिया जाए। और इस रूप में जो है मुद्रास्फीति भी वहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी थी, 30% की दर से चौकड़ी भर रही थी। 1989 में नवयुग का वहाँ उदय होता है और ऐतिहासिक कदम उठाकर हंगरी की संसद ने स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलनों के गठन की अनुमति देने वाला विधान पारित कर देती है। इस प्रकार पोलैंड में, इसी प्रकार रोमानिया में और धीरे धीरे जो है पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया आदि देशों में जो है घटनाएं घटती हैं और धीरे धीरे कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है कोलैप्स होता जाता है। 9 नवंबर 1989 को एक युगांतरकारी घटना होती है जब पूर्वी जर्मनी ने अपने नागरिकों को पश्चिमी जर्मनी के साथ अपनी सीमा पार करने के लिए खुली छूट देकर अपने ही हाथों बनाई बर्लिन दीवार और जानलेवा सीमांत बाड़ को अर्थहीन बना दिया था। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक बना, क्रांतिकारी कारक बना, जिसने कम्युनिज्म के ध्वस्त की जो प्रक्रिया थी उसकी गति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था। अब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि बर्लिन की जो दीवार थी उसका हट जाना या नागरिकों का आर पार आना जाना की अनुमति मिल जाना अपने आप में दो विचारधाराओं का एक में होना था। क्योंकि जो जर्मनी के जो दोनों भाग थे, एक पश्चिमी गुट के प्रभाव में था और एक जो है साम्यवादी गुट के प्रभाव में था, और दोनों एक दूसरे को शत्रु के दृष्टिकोण से अब तक देख रहे थे, यहाँ तक कि अपने नागरिकों को भी एक दूसरी तरफ नहीं जाने देते थे। लेकिन अब जो है नागरिकों को आने जाने की अनुमति देकर के 1989 में एक बहुत बड़े राजनीतिक और वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत यहां पर हो चुकी थी। बर्लिन की दीवार के निर्माता होने को अक्टूबर 1989 में पूर्व जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पद से अपदस्थ कर दिया गया था। इसको अविभाज्य माना गया था। तब से न केवल एक विभाजित देश, अविभाज्य जनता का भावभीना पुनर्मिलन हो रहा था, मध्य यूरोप के चेहरे पर से शीत युद्ध का सबसे कलुषित कलंक भी धुलने लगा था। इसका पतन होने पर 3 सप्ताह के अंदर बर्लिन की दीवार का भी पतन हो गया। बर्लिन की दीवार जब बनी थी उस समय हर वर्ष लगभग 2 लाख पूर्व जर्मन वासी पश्चिम की तरफ भाग रहे थे। क्या यह संयोग था कि 1961 के बाद 1989 में पहला वर्ष था जब एक ही वर्ष में 2 लाख से अधिक जर्मन लोग पश्चिमी जर्मन चले गए। इस प्रकार जो है जर्मन दीवार जो है ढहाने से कम्युनिज्म की घटने की दर और बढ़ती है। इसी प्रकार फिर जर्मनी का एकीकरण एक और बहुत बड़ी घटना थी। बर्लिन दीवार के साथ जर्मनी का एकीकरण, महायुद्ध के पश्चात 2 हिस्सों में बटा जर्मनी 45 वर्ष 4 माह बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ। बिना युद्ध और संघर्ष की त्रासदी के
बिना युद्ध और संघर्ष की त्रासदी को झेले दो राज्यों का ऐसा हर्षोल्लासपूर्ण एकीकरण आधुनिक इतिहास में विस्मयकारी घटना के रूप में याद किया जाएगा। जर्मनी का एकीकरण द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की सबसे अभूतपूर्व घटना थी। भाषा, संस्कृति और रक्त संबंधों से जुड़ा जर्मन अब एक है। एकीकृत जर्मनी को अब आधिकारिक तौर पर जर्मन संघीय गणराज्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो एकीकरण था, इसने भी सोवियत के प्रभाव में साम्यवादी ब्लॉक को जो है हटाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जो है पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है बिखरने के कगार पर आ जाता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करें।